हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं स्टैंडिंग क्रिएटिविटी। दोस्तों, पहली बात आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं 2 मंथ से या फिर 2 मंथ से भी ज़्यादा हो गया मैंने वीडियो को पोस्ट करते, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था, इसीलिए मैं वीडियो को पोस्ट या फिर अपलोड कर नहीं पाया, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ उस पर। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। ये मैंने मेरे चैनल पर बहुत पहले मैंने एक स्पीकर, छोटा वाला ब्लूटूथ स्पीकर मैंने बना के दिखाया था, उस पर मेरे को कमेंट आया एक और स्पीकर बना के दिखा जिस पर वॉल्यूम ज़्यादा हो और बेस भी ज़्यादा हो, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। ये है एक्स केबल स्पीकर, इसे ही मैं आज बनाने वाला हूँ। मैं इसका दूसरे भी पार्ट लेकर आऊँगा, इस पर मैं ब्लूटूथ भी ऐड करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं एक्स केबल ही बना के दिखाऊंगा। इसे बनाने के लिए 100 रुपीज़ से कम प्राइस में मैंने बनाया। इसके कंपोनेंट मैंने ऑफलाइन परचेस किया है, इसलिए मेरे को कम प्राइस में बनाया हूँ। ये इसका कंपोनेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट ज़रूर करना। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं और वीडियो को शुरू करते हैं। स्पीकर का बॉडी मैंने निकल में 75 mm डायमीटर का PVC पाइप ले लिया हूँ, या फिर 7.5 सेंटीमीटर का भी आप कह सकते हैं। मैं 6 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगा दे रहा हूँ। मैं A4 साइज शीट ले रहा हूँ। लेने के बाद चारों तरफ लपेट देता हूँ कुछ ऐसे बराबर में। लगा देने के बाद मैं मार्कर से इसके चारों तरफ मैं एक निशान कर लेता हूँ और मैं अक्सर से उसी निशान पर कट कर देता हूँ बराबर में। बराबर कट करने के बाद मैं एक रेगमाल लेकर उसे घिस लेता हूँ। घिस लेने के बाद मैं इसे 2 भाग में कट करने के लिए एक मार्कर की सहायता से मैं एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ड्रॉ करने के बाद एक स्केल की सहायता से इसके बराबर सेंटर में एक और लाइन कर देंगे। कर लेने के बाद उसको भी हम एक मार्कर से स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे। इस PVC पाइप को आधा आधा कट करने के लिए मैं ऐसा मार्क लगा दिया हूँ। इसे हम कट कर लेंगे कुछ ऐसे। आधा आधा कट कर लेने के बाद मैं इसे भी रेगमाल से घिस लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैं घिस लिया हूँ। घिस लेने के बाद मैं एक PVC पाइप शीट ले रहा हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स, मैं 12x6 सेंटीमीटर पर मैं मार्क लगा दे रहा हूँ कुछ ऐसे। मार्क लगा देने के बाद मैं इसका 2 पीस कट कर लेता हूँ हैक्सॉ की मदद से। कट कर लेने के बाद मैं इसे भी रेगमाल से घिस लेता हूँ। घिस लेने के बाद मैं जो पहले कट करके हमें रखे हुए थे ना, उसको भी मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसे। रखकर मैं फेंकी की मदद से इसे चिपका लेता हूँ। चिपका लेने के बाद ये आपका आधा बॉडी बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं थोड़ा और फेविकिक से अच्छे से चिपका लेता हूँ क्योंकि मज़बूत ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने फिर से PVC पाइप शीट ले लिया हूँ। जो हमने पहले बॉडी बनाया था ना, उसके हिसाब से मैं मार्क लगा दे रहा हूँ क्योंकि इसके आगे पीछे हमें ढक्कन भी बनाना है। आगे वाला छोटा होगा और पीछे वाला बड़ा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे वाला छोटा और पीछे वाला बड़ा है। फिनिशिंग के लिए मैं दोनों ही रेगमाल से घिस लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसके हिसाब की मदद से मैं छोटा वाला कट किया हूँ जो इसके अंदर आसानी से चला जाए। मैं 3 वैट और 4 ओम्स का स्पीकर ले लिया हूँ। इसके अराउंड मैं 2 होल कर दे रहा हूँ। कट करने के लिए सोल्डर गन की मदद से हीट करके जो पार्ट को निकल देना है और फाइल के मदद से रगड़ रगड़ कर फिनिशिंग कर लेना है। मैं इसे ग्लू गन से अच्छी तरीके से चिपका लेता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और मैं इसके बॉडी के अंदर में लगा कर भी इसे चिपका लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आगे से तो ये अच्छा दिख रहा है, बाद में इसे पेंट भी करेंगे। मैं एक स्विच ले रहा हूँ, इसके सबसे मार्क लगा दे रहा हूँ। एक MicroUSB सॉकेट के लिए भी मार्क लगा दिया हूँ। मैं इसे नाइफ की मदद से कट करके निकाल दूंगा कुछ ऐसे। फ्रेंड्स, मैं 2 होल किया हूँ, एक MicroUSB सॉकेट के लिए, एक LED के लिए। अब मैं एक LED ले लिया हूँ, एक 1K रेसिस्टर भी, और मैं इसके पॉजिटिव साइड पर मैं 1K रेसिस्टर सोल्डर कर दे रहा हूँ LED के पॉजिटिव साइड पर, और इसे भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। LED को डालने के बाद जो MicroUSB सॉकेट है ना, ग्रीन वायर माइनस है और रेड वायर प्लस है। ग्रीन वायर मैं LED के नेगेटिव पर कनेक्ट कर दूंगा, रेड वायर पॉजिटिव वो जो 1K रेसिस्टर लगा हुआ है ना, वहाँ मैं कनेक्ट कर दूँ। यह है उसका चार्जिंग सर्किट डायग्राम।
एक मैं ओल्ड बैटरी ले ले रहा हूँ जिसके पॉजिटिव पर मैं रेड वायर कनेक्ट कर दूंगा और नेगेटिव पर ब्लैक वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जो प्लस पर मैंने रेड वायर कनेक्ट किया हूँ और ब्लैक वायर माइनस पर कनेक्ट कर दिया हूँ, कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया हूँ। इसे चिपकाने के लिए मैं डबल साइडेड गम टेप का यूज़ कर रहा हूँ। मैं स्पीकर के ऊपर ही चिपका दे रहा हूँ। मैं एक IN4007 का डायोड ले रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है मैं उसे कट कर दे रहा हूँ। कर लेने के बाद डायोड का दो टर्मिनल होता है, कैथोड का एनोड। एनोड है ना, जो माइक्रो यूएसबी सॉकेट का पॉजिटिव पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, मैं डायोड के कैथोड पर कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट मैं माइक्रो यूएसबी सॉकेट के नेगेटिव पॉइंट में कनेक्ट कर लेता हूँ। कुछ ऐसे डायोड सिल्वर साइड कनेक्ट टू द बैटरी पॉजिटिव, कुछ ऐसे कनेक्ट कर लेना है सर्किट डायग्राम देखकर। और एक मैं ओल्ड मोबाइल ईयरफोन का जैक ले लिया हूँ। ईयरफोन जैक का ग्राउंड और लेफ्ट और राइट को कुछ ऐसे देखकर कनेक्ट कर लेना है जो मैं दिखाया ना, कुछ ऐसे है। और मैं एक एम्पलीफायर मॉड्यूल ले लेता हूँ, जो हमने ईयरफोन का जैक का वायरिंग किया था ना, ब्लैक वाला मैं ग्राउंड पर कनेक्ट कर ले रहा हूँ और रेड वाला एम्पलीफायर राइट पर कनेक्ट कर ले रहा हूँ। जो ग्रीन वाला है ना, मैं उसे एम्पलीफायर लेफ्ट पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसे वायरिंग कर लेना है। इसे आप देख कर कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लेने के बाद इसमें भी मैं चिपकाने के लिए डबल साइड गम टेप का यूज़ कर दे रहा हूँ। एम्पलीफायर बोर्ड के पावर सप्लाई के लिए मैं नेगेटिव पर ब्लैक और पॉजिटिव पर रेड वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जो रेड वायर है ना, मैं डायरेक्टली स्विच पर कनेक्ट कर दिया हूँ एक सिरा पर। नेगेटिव को मैं डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया हूँ और मैं दो वायर ले लिया हूँ। एम्पलीफायर आउटपुट के लिए मैं दो वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। स्पीकर के लिए कनेक्ट कर लिया हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं इसे डायरेक्टली स्पीकर पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसी तरह से हमें दूसरा स्पीकर भी कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के लिए मैंने बैटरी को निकल दिया क्योंकि जगह कम था, इसीलिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा स्पीकर भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। आपको कनेक्शन ध्यान से कर देना है। आपको सर्किट डायग्राम देखकर कनेक्शन कर लेना है ध्यान से। और इसका कंपोनेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाकर चकर जरूर करना। और जो हमने एक्स केबल के लिए जैक कनेक्ट किया था ना, उसे मैं एक और होल करके मैं इसे चिपका लिया हूँ। जो स्पीकर के बैक के लिए हमने पीवीसी पाइप कट किया था ना, उसके ऊपर मैं पैसिव रेडिएटर लगा दे रहा हूँ, कुछ ऐसे रखकर मैं मार्क लगा दे रहा हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाकर चकर जरूर करना। फ्रेंड्स, आप ये पैसिव रेडिएटर लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो। पैसिव रेडिएटर लगाएंगे तो जो आप पैसिव रेडिएटर ले आओ ना, उसके अराउंड थोड़ा कम ही कट करना, क्योंकि ग्लू गन चिपकाने में कोई भी ग्लू चिपकाने के लिए आसानी हो। और पैसिव रेडिएटर चिपकाने के लिए आप 8 ग्लू गन या फिर कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हो, बस फेकिक मत यूज़ मत करना। जो पैसिव रेडिएटर आप चिपका रहे हो ना, ध्यान से चिपकाना, क्योंकि हेयर गैप या फिर कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिस के थ्रू हमें पास होगा, इसीलिए कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज होगा तो हमारा पैसिव रेडिएटर सही से वर्क नहीं करेगा। इसे भी मैं स्पीकर के बैक पर लगाकर सुपर ग्लू से चिपका दे रहा हूँ। चिपका लेने के बाद मैंने थोड़ा पेंट किया हूँ। अच्छा तो नहीं दिख रहा, फ्रंट में ब्लैक अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके अराउंड मैंने अच्छा कलरिंग नहीं किया हूँ, बाद में कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार्जिंग पर लगा दिया हूँ, ब्लू एलईडी ब्लिंक हो रहा है। आप कोई भी एलईडी लेकर ले सकते हो, कोई भी। अबे इसके टेस्टिंग टाइम, एक्स केबल कनेक्ट कर देंगे स्पीकर और मोबाइल पर, दोनों में भी कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल अब मैं NCS प्ले करने वाला हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगा है। अगर आप वीडियो को एंड तक पूरा देखे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे को मोटिवेट भी करना। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।